बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दो रेसिपीज़ लेकर आई हूँ एक साथ। एक हम बनाएंगे दम का कीमा और दूसरी हम बनाएंगे टिक्का कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो चलें चलते हैं किचन में इसको बनाने के लिए। ये इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैंने हाफ के जी गोश्त ले लिया है, जिसको मैंने आधा घंटा बॉईल कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 5 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं ये बड़े साइज़ के, और ये 4 टेबल स्पून टिक्का मसाला है ये, और आधा पाव हमने इसके अंदर दही लिया है। अब हम ऑयल ले लेते हैं। ऑयल हमने लिया है 200 ग्राम। 200 ग्राम ऑयल के अंदर हम ये गोश्त को फ्राई कर लेंगे, जिसको हमने बॉईल कर लिया है, आधा घंटा बॉईल करा है बस। बाकी ये हमारे सालन के अंदर पकेगा, जो हम बना रहे हैं कढ़ाई। अब हम इसको, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया। अब इसे हमें 10 मिनट तक ऑयल के अंदर फ्राई करना है, ताकि हमारी जो ये बीफ का कलर है चेंज हो जाए। इससे बीफ का बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। ये देखिए, ये इसका कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं, ज़रा ज़रा ब्राउन दिख रही है आपको। 10 मिनट तक इसको आप ऑयल के अंदर फ्राई कर लीजिएगा। ऑयल मैंने 200 ग्राम डाला है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून भर के 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दीजिएगा इसके अंदर। इसको हम ज़रा सा भून लेंगे गोश्त के साथ, जिंजर गार्लिक पेस्ट को। फिर हम इसके अंदर दूसरे मसाले ऐड करेंगे। मसाले तो इसमें ज़्यादा हैं नहीं, इसमें मैंने सिर्फ टिक्का मसाला यूज़ किया है 4 टेबल स्पून। बहुत ही मज़ेदार होता है, इसका रैपर मैं भी आपको दिखा दूंगी। आप वही वाला टिक्का मसाला लीजिएगा जो रैपर मैं आपको दिखाऊंगी, चिकन टिक्के वाला मसाला नहीं लीजिएगा। ये है टिक्का, बीफ टिक्का मसाला है ये, मैं आपको भी इसका रैपर दिखा दूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने मसाला डाल के गोश्त को मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर टमाटर अपने डाल देंगे। टमाटर जो मैंने 5 अदद लिए थे, उसको मैंने हाफ़ हाफ़ कर लिया है, काटना नहीं है, हाफ़ हाफ़ कर लीजिएगा। हाफ़ करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। ये हम गोश्त के ऊपर इस तरीके से रखने के बाद इसे हम तकरीबन 15 मिनट तक कवर कर देंगे। लेकिन अभी चूँकि हमारे गोश्त में बिल्कुल पानी नहीं है, तो हमारे उबले हुए गोश्त में से आधा कप पानी बचा था, ये आप देख सकते हैं। तो ये पानी हम साइड में थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, पूरा पानी, आधा कप पानी है ये हमारा। ज़्यादा पानी नहीं यूज़ कीजिएगा, इसमें पानी का कोई काम नहीं है। बस अब इसको कवर कर देंगे हम पूरे 15 मिनट तक। टमाटरों को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी स्किन कितनी आराम से निकल जाएगी, और जब ये आपकी कढ़ाई तैयार होगी ना, तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार कढ़ाई आप लोगों ने ख़ुद घर में तैयार करी है, यकीन जाने इसका इतना अच्छा टेस्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखिए, इस तरीके से चिमटे की मदद से आप इस तरीके से करेंगे, और वो आराम से टमाटरों में से छिलका निकल जाएगा। तो हमारा जो गोश्त और मसाला है बहुत अच्छा सा मिक्स सा हो जाएगा। ये वो कढ़ाई बनेगी जो आज तक आप लोग शादियों में खाते हुए आए थे। ये टिक्का कढ़ाई मैंने आज बनाई है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। आप देख सकते हैं मैंने तमाम स्किन निकाल ली है टमाटरों की, और कितनी आराम से ये निकल जा रही है। इसको 15 मिनट रखिएगा कवर करके, फिर आप आराम से इसकी स्किन निकाल सकते हैं। अगर ना निकले तो 5 मिनट मज़ीद रख दीजिएगा, तो ये स्किन आपकी आराम से निकल जाएगी। ये देखें, ये मैंने तमाम टमाटरों की स्किन निकाल ली है। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा चमचे से मैश कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालिएगा, बस ज़रा ज़रा टमाटरों को इस तरीके से मैश करने के बाद इसमें हम दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद आप इसको दम पे रख दीजिएगा इतनी देर के आपका गोश्त बिल्कुल डन हो जाए, बस इतनी देर तक आपको रखना है। तो आप चेक कर लीजिएगा, आधा घंटा रख लीजिएगा दही डालने के बाद। तो फिर आप चेक कर लीजिएगा, चेक करने के बाद चूल्हे को ऑफ़ कर दीजिएगा, जब तक कि आपका गोश्त भी गल जाएगा, यानी गाय का गोश्त गल जाएगा, और मसाला भी हमारा बहुत अच्छा सा भुन जाएगा, और ये टमाटर भी बिल्कुल इसके अंदर मैश हो जाएंगे इतनी देर में। इसको आप कवर करके रख दीजिएगा बस। और मैं आपको मसाले का रैपर दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाला मसाला इस्तेमाल कीजिएगा, टिक्का सीख कबाब मसाला है। मैंने ये मसाला इस्तेमाल किया है, चिकन टिक्के वाला नहीं कीजिएगा। टिक्का सीख कबाब मसाला जो होता है वो मैंने इसके अंदर यूज़ किया है, चिकन टिक्के वाला मसाला यूज़ नहीं कीजिएगा। ये देखें, हमारा गोश्त भी अच्छा सा गल गया, और हमारा जो हमारी ग्रेवी है वो भी भुन गई है अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं इसका मसाला कितना ज़बरदस्त हो रहा है। तो बस ये वो कढ़ाई है जो आप शादियों में खाते हैं।
अब आप अपने घरों में बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई। ये मैंने आपकी दावतों के लिए एक नई रेसिपी दी है। और ये मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें 4 अदद ली थी, कम ही डालिएगा इसमें, चाहें तो डालें वरना ना चाहें तो ना डालें। तो बस इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर देंगे हम, फिर हम इसको कोयले की भाप दे देंगे। कोयला हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, दूसरे चूल्हे पर दहकने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसमें कोयले का धुआं दे देंगे तो ये बहुत ही शानदार हो जाएगी हमारी बीफ टिक्का कढ़ाई। अभी तक ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है ये रेसिपी। लेकिन आपको जो मैंने टिक्का मसाला बताया है, मसाला आप वही वाला यूज़ कीजिएगा तो ही आपका ये वाला टेस्ट आएगा जो मैंने आपको टिक्का मसाला बताया है। चिकन टिक्का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, बीफ टिक्का कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने कोयले को दहका लिया था। अब हम इसके अंदर घी डाल देंगे थोड़ा सा, तो इसमें से अच्छा सा धुआं निकलना शुरू होगा। तो इसको आप फौरन कवर कर दीजिएगा तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए कवर कर दीजिएगा। ये देखें कितनी अच्छी स्टीम निकल रही है इसकी, तो इस तरीके से ही निकलने दीजिएगा और 10 मिनट बाद फिर आप इसको हटा लीजिएगा। ये देखें पूरा धुआं इसमें भर गया, अब हम इसको हटा लेंगे। और बस इसको मैं आप डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने आपको ये बिल्कुल नई रेसिपी दी है आज बीफ टिक्का कढ़ाई, तो आप लोग इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये नई कढ़ाई कैसी लगी। यकीन जाने दावत में आप बनाएंगे तो सब बस आपकी तारीफ़ें ही करते रह जाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल लीजिएगा, बस इसको आप ट्राई कीजिए। अगर आप अब हम दम का कीमा बनाने के लिए चलते हैं किचन में, देखते हैं इसको हम किस तरीके से बनाएँगे और इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। ये मैंने 1/2 kg खीमा ले लिया है, मोटा रखिएगा खीमे को, बारीक नहीं पिसवाइएगा। मशीन का खीमा हमें नहीं लेना है, हाथ का खीमा हम लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता, 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता डाल दीजिएगा इसमें 1/2 किलो खीमे के अंदर। और खीमा हमें हाथ का लेना है, मशीन का नहीं लीजिएगा। हाथ का बहुत मज़े का बनता है, दम का खीमा या आप भाप वाला खीमा भी कह सकते हैं इसको, धुएँ वाला खीमा भी कहते हैं, तो आप जो चाहें इसको कह सकते हैं। तो इसको हम कच्चा पपीता लगाने के बाद, ये हमने हरी मिर्चें ले ली हैं 10 अदद हरी मिर्चें, और 1 टेबल स्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेंगे। हरी मिर्चों को हम पीस लेंगे। ये देखें, ये मैंने हरी मिर्चों को पीस लिया है। तो कच्चा पपीता हमने खीमे में लगा दिया था, साथ ही हम कच्चे पपीते के साथ ही हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून डालिएगा। और जो हरी मिर्चें मैंने आपको 10 अदद बताई थी वो मैंने पीस ली हैं, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको हम तकरीबन 1 से 2 घंटे रख सकते हैं, आप 1 घंटा भी रख सकते हैं और अगर चाहें तो 2 घंटे भी रख सकते हैं, मेरीनेट करके इसको आप रख दीजिएगा। फिर हम इसके मसाले लगाएंगे, मैं आपको मसाले बताती हूँ मसाले हम इसमें क्या क्या डालेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेते हैं। हरी मिर्ची, अदरक लहसुन और पपाया पेस्ट, ये तीनों चीज़ें मिला के हम इसको रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब मैं आपको इसके स्पाइसेस बता देती हूँ। ये मैंने प्याज ले लिए 1 बड़े साइज़ की, इसको हमने स्लाइस में काट लिया है। और ये 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबित धनिया और 2 टेबल स्पून बेसन ले लिया है मैंने। अब बेसन और धनिया और सफ़ेद ज़ीरे को हम भून लेंगे, भून के पीस लेंगे। और हमने 125 ग्राम दही ले लिया है इसके अंदर, यानी 1/2 पाव। ये देखें, ये मसाला मैंने पीस लिया है, ज़ीरा और धनिया पहले मैंने भून लिया और फिर उसी पे मैंने बेसन भी भून लिया था। और ये मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी 1 टेबल स्पून, ये गरम मसाला 1 टीस्पून, और ये बेसन जो मैंने भून लिया था ज़ीरा धनिया के बाद, भूनना बहुत ज़रूरी है बेसन को, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये दही 125 ग्राम यानी 1/2 पाव दही मैंने लिया था। अब तमाम चीज़ें मैंने इसमें मिला दी हैं, इसको हम 1/2 घंटा रख देंगे। अब पूरा 2 घंटा आपको रखना है, तो आप 1.5 घंटा ये चीज़ें लगा के रख दीजिएगा और 1/2 घंटा मसाला लगा के रख दीजिएगा और फिर इसको बगाल लीजिएगा। और बगालने में भी आपको 1/2 घंटा पकाना है। ये मैंने 125 ग्राम ऑयल डाला है, यानी 1/2 पाव, 1/2 पाव ऑयल हम डाल देंगे। और इसमें हमने प्याज ऐड कर दी है, प्याज का हम हल्का सा कलर आने देंगे। ये देखिए, हमारी प्याज का कलर आ गया है, बस इस ऐसा कलर हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कीजिएगा। अब हम इसके अंदर खीमा ऐड कर देंगे जो तकरीबन 2 घंटे से रखा हुआ है हमारा खीमा। खीमा आप हाथ का लीजिएगा, मशीन का नहीं लीजिएगा,
तो बहुत मज़े का बनेगा कीमा। अगर बिलफर्ज आ जाता है मशीन का तो बना लीजिएगा, लेकिन हाथ का कीमा इसमें ज़्यादा बेहतर होता है। तो बस अब हम इसको मिक्स कर लिया है हमने, और जो इस बॉल में से हमने ये खीमे को डाला है उस बॉल के अंदर हम हल्का सा पानी करके जो भी मसाले हैं उसके वो हम इसमें डाल देंगे, मज़ीद पानी नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं मेरे बॉल में कितना पानी है, बस इतना ही डालना है, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा है, ये आधी कप से भी कम है। अब हम इसको पकने देंगे पहले, फिर हल्की आँच पर हम इसको तकरीबन आधा घंटा पकाएँगे खीमे को। तो हल्की आंच पे ये पकेगा तो हमारा खीमा बहुत मज़ेदार सा तैयार होगा। ये हमने दूसरे चूल्हे पे कोयले को दहकने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमारे खीमे को पूरा आधा घंटा हो गया है। 10 मिनट पहले कोयले को रख दीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से दहक जाएगा। तो इसके ऊपर ऑयल आ गया, तो हमने इसमें थोड़ा सा पुदीना 10 10 अदद पत्ते ले लीजिएगा, और थोड़ी सी अदरक, ये हमने दम पर डाल दी है। अब हम इसको दोबारा कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम इसमें धुआं दे देंगे। हाथ का कीमा लीजिएगा, मशीन का कीमा नहीं लीजिएगा, अगर आ जाए तो वो खैर अलग बात है। तो ये देखें ये हो गया। अब 2 मिनट के बाद हम इसमें कोयला रखेंगे। ये देखें कीमे को मैंने सही कर लिया, और बीच में मैंने थोड़ी सी जगह बना दी, और आप देख सकते हैं इसमें इसको बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं कीजिएगा, बस हल्की आँच पर ही पकाइएगा कीमे को। जब आप चढ़ाएँगे तो हल्की आँच पर ही पकाइएगा, तेज़ नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। ये देखें ये हमने कोयला दहका लिया था। अब हम इसके अंदर कोयला रखने के बाद 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, तो इसके अंदर से अच्छी सी भाप निकलनी शुरू हो जाएगी। तो आप इसको भाप खीमा भी कह सकते हैं। तो ये देखिए अब इसको बंद कर देते हैं हम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए आप इसको कवर कर दीजिएगा, फिर हम 10 मिनट बाद इसको खोल के देखेंगे, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी खीमे में। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ये खीमा आपको डिश आउट करके दिखाएँगे। कटोरी बहुत गर्म है, इसको कपड़े से पकड़ के आप निकाल लीजिएगा। बस अब इसको हम मिक्स कर देंगे खीमे को, ताकि हमारे तमाम खीमे के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। अदरक और पुदीने की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे खीमे के अंदर। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने खीमा निकाल लिया है। इसको आपने इसी तरीके से सर्व करना है, अदरक अदरक और पुदीना, ये इसकी सर्विंग होती है दम के कीमे की, जो हम इसको बनाते हैं। तो इसको हम ऐसे ही पेश करते हैं, हम लोग दावतों में भी बनाते हैं, तो हम लोग अपने घर में भी इसको ऐसे ही सजाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है दम का कीमा इस तरीके से आप सजाएं। और आपने देखा मैंने घर के मसालों से तैयार किया है, कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसिस नहीं है इसमें, और यकीन जाने ये बहुत मज़े का बनाए। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हो गई हैं, टिक्का कढ़ाई जो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और दम का खीमा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।